नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में। आज के दिन इसमें 5.78% का अपसाइड देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। ऐसा क्योंकि इस वक्त गिरते हुए मार्केट में जो लीड कर रहा है दो दिन से मार्केट को, वो FMCG स्टॉक हो और थोड़ा थोड़ा IT स्टॉक एक तरह से लीड कर रहे हैं, जिस वजह से इन स्टॉक्स में एक शानदार रैली देखने को मिला है। अगर टाटा कंज्यूमर उठाकर देखो तो उसमें भी आपको लीडिंग देखने को मिलेगा, HUL देखने को मिलेगा, नेस्ले देखने को मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक्स कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है आपके पास एक अच्छा मौका है, वो है 1360 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल लगाइए, जो एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेकआउट कर आज के दिन ये लीड कर रहा है 5.78% का। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 1500 रुपये का। दूसरा टारगेट जो रहेगा ये आने वाले टाइम पे जो है 1600 रुपये तक का भी इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जो है ना कई इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो अपना पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, जिसमें डिफेंस रेलवे स्टॉक को थोड़ा सा कम किया जा रहा है और ये स्टॉक से जो पैसा निकाल रहे हैं वो गोदरेज मतलब FMCG स्टॉक हो गया हो, IT स्टॉक हो गया हो, इनके तरफ ना एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ना शानदार रैली देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा मौका है 1350-1360 के सपोर्ट लेवल। पहला टारगेट रहेगा हमारा 1500 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा 1550, तीसरा टारगेट हमको 1600 रुपये तक का भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। और ये ऑलरेडी अगर टेक्निकल को लेकर बात करूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एक रिटर्न दिया, जो कि यहाँ से एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए अपसाइड जा रहा है। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।